अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपने घर पर सोया था, तो रात में नींद बहुत ही अच्छी है। क्योंकि एक हफ्ते से पंजाब में थे तो सही तरह से नींद भी पूरी नहीं होती थी और सुकून वाली नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि अपने घर पे अपने बिस्तर पे सुकून वाली नींद आती है। और वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आ रहा था, दिल नहीं कर रहा था घूमने का। इस वजह से हम लोग वहाँ पर घर के अलावा, इलाके के अलावा कहीं दूर घूमने भी नहीं गए, और इसलिए जल्दी भी वापस आ गए, क्योंकि हमारे को यहाँ पर काम भी था और गर्मी भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। इस वजह से हम जल्दी घर पे वापस आ गए। और यहाँ पर सहन में देखें कितनी माशाल्लाह से प्यारी हवा चल रही है, पर्दा उड़ रहा है, और ऊपर आसमान देखें बादल ही बादल हैं, बारिश वाले। बारिश तो आ रही नहीं है, बारिश का नहीं बताया हुआ, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा है। अच्छा मौसम है, सुकून है यहाँ पर बहुत। और यहाँ पर किचन में पापा बैठे हुए दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में तो हमने पकाया नहीं था खाना, इस वजह से आज दोपहर में पका रहे हैं। क्या पका रहे हो पापा? दाल चावल पका रहे हैं आज। दाल चावल। हाँ भिंडी भी लाए थे आप, मैंने बोला भिंडी पका लेना। नहीं, भिंडी कल पका लेंगे, दाल चावल पका लेते हैं, क्योंकि दाल चावल पकाए तो यूँ सुन लो पूरे 10 दिन हो गया आज। हाँ टाइम तो काफी हो गया, हाँ वहाँ पे तो बिरयानी वहाँ तो खा रहे थे रोज बस। गोश्त ही गोश्त खा रहे थे। दाल चावल खा अभी लिया तक आज। तो अभी मतलब शुरू ही किया है पकाना। हाँ तो घंटा लगेगा इसमें। अच्छा चलो सही है, वैसे भी अभी भूख तो नहीं लग रही, 12 बज रहे हैं। और नेहा यहाँ पर बैठ के फ़ोन चला रही है सुकून से अपना, क्योंकि इसके पास और कोई काम तो है नहीं, खाना तो ये बनाती नहीं है, थोड़ा बहुत ही बनाती है, बाकी पापा ही बनाते हैं ज़्यादातर तो खाना। और ये नेहा ने कपड़े भी प्रेस करके रखे हुए हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से इसकी कहीं जाने की तैयारी है। मेरे भी प्रेस कर दिए हैं बगैर पूछे, वैसे तो जब मैं बोलता हूँ इसको प्रेस करने का जब करती है या फिर मैं खुद करता हूँ। दोनों के कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, अपना भी ब्लैक सूट प्रेस किया है, आपका भी ब्लैक सूट प्रेस किया है। मैंने सोचा दोनों सेम सेम पहनेंगे आज। हाँ वैसे कमीज सलवार मेरा पहनने का दिल नहीं करता, वो भी काले वाला सूट नहीं प्यारा लगता है आपके ऊपर, मैंने इसलिए प्रेस कर दिया। और वैसे तो भी प्रेस किया क्यों है? आपने वैसे भी मुझे पंजाब में बोला था कि जब कराची चलेंगे उसके अगले दिन मैं आपको कहीं बाहर लेके जाऊंगा, तो मुझे याद था, इस वजह से मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। अच्छा मतलब बगैर बताए कपड़े भी प्रेस पहले से कर लिए हाँ ताकि और आप मुझे मना ना बताया करो। भी नहीं, हाँ ताकि आप मना ना कर तो सको एंड लेकिन वक्त कहाँ पे, पे जाने के लिए जहाँ बंदा, आपका दिल करे लेके जाने का। लेकिन पहले बताना चाहिए ना कि भाई मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर लेके जाना या लेके जाओगे, पूछना चाहिए। नहीं मैंने करके रख दिए, इसीलिए तो मैंने एंड में बता रही हूँ अभी, तो लेकिन जाना कहाँ है, जहाँ आपका दिल करे लेके जाने का। खाना क्या है, खाना तो अभी खाना खाने के बाद फिर चलेंगे। बाहर क्या खाना है बाहर आइसक्रीम खिला देना या फिर और कुछ आपको समझ में आए। भाई? पैसे ज़्यादा नहीं है मेरे पास, पैसे जितने हैं उसके हिसाब से ही देखूंगा, जो कुछ अच्छा मिलेगा वो ही खिला के लाऊंगा। चलें ठीक है, हाँ जो दिल करे आपका वो खिला बाकी अगर दिया। कम पड़े तो अपने पैसे भी अपने साथ रख लेना। मैं रख लूंगी, बस मेरे को बाहर जाने की खुशी है कि मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि पंजाब में भी हम इतना घूमे नहीं है, हाँ यहाँ पे चलें घूम लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो सही है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और खाने का टाइम, खाना भी पक चुका है, पापा ने बैठ के खाना शुरू कर दिया। पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं भी यहीं पर बैठ जाऊँगा, और नेहा अकेली बैठ के यहाँ पर किचन में खाएगी, क्योंकि चारपाई पे जगह नहीं है और बाकी सहन में धूप है। अभी मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ नेहा को लेके जाने के लिए, और नेहा भी बिल्कुल तैयार है, बस मैं बाइक निकालता हूँ और जाता हूँ। और नेहा तो आज खुश हो गई होगी कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ इसके कहने पे। हाँ मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने काफी दिन पहले बोला था और आज आपको याद भी नहीं था, मेरे एक बार बोलने पे आप राजी हो गए चलने के लिए। हाँ दिल तो मेरा भी कर रहा था वैसे भी कहीं बाहर जाने का, क्योंकि पंजाब में मैं बोर हो गया था, वहाँ पे कहीं बाहर जाने की हाँ जगह ही नहीं थी, ना कहीं मैं
बाहर खाने पीने की, यहाँ पर होता हूँ तो मैं जाता रहता हूँ। असल में वहाँ पे से बहुत दूर दूर खाने पीने की जगह है, इस वजह से दिल नहीं करता। हाँ, और वो शादी वाला घर था, उन लोग को भी काम था, इस वजह से वो लोग लेके भी नहीं जा सकते थे हमें बार बार। चले कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं। हाँ अभी हम चलते हैं, बाइक निकालता हूँ मैं। घर से भाई और मैं दोनों चल चुके हैं और अभी हम हैं रूबी मोड़ वाले रास्ते पे। रूबी मोड़ भी आने वाला है बस। और ये देखिए सामने दुकानें हैं और एक दो फैक्ट्री भी आएंगी। ये देखिए सामने फैक्ट्री है और स्कूल है सामने। और ये देखिए भाई यहाँ पे बाइक चला रहे हैं और सामने बहुत सारी बाइकें जा रही हैं और आ भी रही हैं, क्योंकि ये एक ही मेन रोड है हमारे यहाँ पे बड़ा है जो। ये देखिए ये आ चुका है मेन रोड, ये यहाँ सामने तलवार बनी हुई है। अब यहाँ से जो है सारा 24 स्टार्ट हो जाता है, हमें भी 24 पर ही जाना है। यहाँ हम आइसक्रीम खाएंगे और यहाँ जो है सामने होटल है, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ अलग अलग खाने के आइटम मिलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त नेहा सामने बैठी हुई है, मेन्यू में देख रही है कि क्या क्या है और इसको क्या खाना है। पता नहीं क्या देख रही है, मुझे तो पढ़नी नहीं आती है, थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, नेहा को पढ़ना आता है। नेहा देख रही है, देखते हैं कि ये क्या पसंद करती है। मैंने तो इससे बोला खुद पसंद कर लो और मुझे भी, मेरे लिए भी मंगवा लो। ये देखिए आइसक्रीम अभी हमारी आ चुकी है और सामने देखें भाई ने खानी भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि भाई को कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगी हुई थी कि मेरे को ठंडी ठंडी चीज़ खानी है। और मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं की है। भाई के लिए मैंने आइसक्रीम मंगवाई है फालूदा और मैंने अपने लिए मंगवाई है मैंगो। और भाई ने देखें गिरा दी जब ही हंस रहे हैं। ये रही फालूदा आइसक्रीम और ये है मेरी मैंगो आइसक्रीम। अभी मैं नेहा को आइसक्रीम पार्लर से वापसी घर पर लेकर आ चुका हूँ और आने के बाद हमने खाना वगैरह भी खा लिया है रात का। और अभी तकरीबन भी 10 बजे का टाइम हो रहा है और नेहा दूसरे कमरे में कर रही है काम, जो के पंजाब से हमारे बैग लाए थे वो अभी तक हमने खोल कर उसके अंदर का सामान अलमारी में वापसी नहीं रखा और कपड़े वगैरह भी वापसी में नहीं रखे। तो मैं वहाँ पर नेहा से जाके पूछता हूँ कि मेरी कोई ज़रूरत है या नहीं। ये देखें नेहा ने बैग खोल लिया है और सारे के सारे कपड़े निकाल लिए हैं, आधे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से तय कर दिए हैं और बाकी यहाँ पर तय कर रही है। वैसे तो तय बने हुए रखे हुए हैं अंदर, लेकिन जब बैग हिलता है ना तो थोड़ी सी तय खराब हो जाती है, वो सही करूंगी। अभी मैं निकाल के आधे कपड़े सही तय बने हुए हैं लेकिन आधे खराब है। जैसे ये देखिए ये आपकी शलवार खराब हुई हुई, ऊपर कमीज ठीक है, नीचे वाली शलवार खराब हुई हुई, इनको तय बनाने अब देर लगेगी इनमें। अच्छा, मैं अभी सामान वगैरह अलमारी के अंदर रख रही है और मैं भी इसके साथ रखवा लेता हूँ, क्योंकि ये अकेली रखेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।